नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के धौलपुर में माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का सम्मान समारोह का आयोजन न्यायिक अधिकारी डॉक्टर नीरू सोनी के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय चंबल स्पाइसी पर हुआ। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए डॉक्टर नीरू सोनी ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास में बहुत बड़ी सहायक होती है। स्वर्णकार समाज को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराए, जिससे समाज विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा में बेटियों को वरीयता दें, क्योंकि अगर बेटी शिक्षित होगी तो वो दो परिवारों को शिक्षित कर सकेगी। उन्होंने समाज के अध्यक्ष मोहन वर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्व में कोरोना काल में तथा निःशुल्क मेडिकल शिविर के माध्यम से समाज ने जिले में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। आगे भी समाज इस प्रकार के सामाजिक दायित्वों में अपनी भूमिका अदा करेगा। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मोहन वर्मा ने पंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए कहा कि समाज सभी बुजुर्गों के अनुभवों के साथ लेकर कार्य कर रहा है और समाज का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। इसके लिए प्रत्येक समाज के बच्चों को स्कूल जाने के लिए अनिवार्यता की गई है। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। मेरे लिए बहुत भाग्यशाली रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सन 1996 में पहली कोशिश की मेरी नोट हुई है, जिसमें सर चक्रवर्ती तौर पर यहाँ आया था और आज लगभग 25-26 साल बाद जिला परिवहन अधिकारी के तौर पर मैं उसी का निवृत्त हो रहा हूँ। और समाज की सभी बंधुओं का ये आग्रह करता हूँ, सभी इसी तरह मेरा साथ देते रहे, समय समय पर रोज बने मुझे अपना आशीर्वाद देते रहे। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827572749456214024। यूपी के बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से बाजारों व सार्वजनिक स्थानों गाँव में जाकर महिलाओं व बालिकाओं को 1090 वीमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया गया। एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर मंचलों, शहदों द्वारा छेड़छाड़ व महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सतत निगरानी करते हुए व्यापक अभियान चलाया गया। उनमें इतनी समझ नहीं होती, उतनी परिपक्वता नहीं होती कौन सा व्यक्ति उनके साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चों से संबंधित बहुत अपराध हो रहे हैं, इसे हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका बच्चा है थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रहता है, आपसे कुछ छुपा रहा है, तो उसे प्यार से पूछने की कोशिश करिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जय विहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय विहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। जनपद कासगंज में आज सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों का निस्तारण
अधिकारियों ने टीम बनाकर कराया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पटियाली तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ तो डीएम ने तहसील सहावर में अध्यक्षता की। मुख्य विकास अधिकारी तहसील कासगंज में उपस्थित रहे जहां फरियादियों की शिकायतों का टीम बनाकर निपटारा कराया गया तथा कुछ प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेजा गया। सर, तहसील सहावर में आज जो संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया है, कितने प्रार्थना पत्र हुए और किस तरीके से निस्तारण कराया गया? हुआ है, जिसमें कुल टोटल हमारे पास अब तक 54 एप्लीकेशनें आई हैं और इन 54 एप्लीकेशनों में मौके पे आज 6 पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष जितनी भी हैं उसमें संबंधित विभाग को दिया जा रहा है और कुछ ऐसे भी मामले हैं जो भूमि विभाग के संबंधित हैं, उनमें पुलिस और राजस्व की टीम बनाकर भी भेजी है। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214024। सिद्धार्थनगर जिले की SOG सर्विलांस व उसका थाने की पुलिस टीम ने कल हुई 32 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा 24 घंटे के अंदर करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि प्रेम संबंध में मृतक महिला की बेवफाई से नाराज उसके आशिक ने उसकी हत्या कर दी थी। गिरफ्तार हत्यारोपी से पुलिस ने असलहा कत्ल कुलाड़ी भी बरामद कर लिया है। शनिवार को इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले की SOG सर्विलांस व उसका थाने की पुलिस ने बड़ी मेहनत कर इस हत्या का खुलासा 24 घंटे के भीतर ही कर दिया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस हत्या के पीछे की असली वजह मृतका शैलेश का अभियुक्त विनोद से अवैध संबंध निकल कर सामने आया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि मृतका शैलेश का आरोपी विनोद कुमार साहनी पुत्र मोतीलाल निवासी मटियार थाना कुलहरिया जिला गोरखपुर में अवैध संबंध था। पुलिस ने विनोद को मुखबिर खास की सूचना पर आज सुबह गोरखपुर के कर्मा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के अनुसार आरोपी विनोद ने बताया कि उसे मृतका शैलेश से कई वर्षों से संबंध थे। इधर मृतका उससे कुछ दूर रहने लगी थी, उसे शक था कि वो किसी और के संपर्क में आ गई है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी होती रहती थी। घटनास्थल की रात भी वो मृतका शैलेश से मिलने आया था और काफी समझाने के बाद जब मृतका नहीं मानी तो गुस्से में आकर बगल में पड़ी कुल्हाड़ी से उसने मृतका की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस कप्तान ने बताया अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उसे समुचित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है और पुलिस टीम को 15,000 का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ये कल सुबह थाना उसका बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम है नटवाताल, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 32 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुँची थी, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया था। मौके पर जब बात की गई तो महिला के साथ उसके दो बच्चे उस रात को थे। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि एक विनोद साहनी नाम का व्यक्ति है जो उस रात को आया था, पहले भी आता रहा है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। इसमें हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम का गठन किया गया था और इसमें हमारी SOG एवं थाना उसका की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि इस महिला से इसका प्रेम संबंध था और नियर टाइम में ये महिला अन्य लोगों से भी बात करने लगी थी, जिसके वजह से इसमें ईर्ष्या थी और इसी के चलते इसने इस महिला की हत्या कर दी। और टीम ने इसमें जो आला कत्ल है, जिस कुल्हाड़ी से महिला की हत्या करी गई, उसको भी बरामद किया गया। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध।
प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध, कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध, 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757, 9456214024। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है। प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष व औषधि विभाग के दयाशंकर सिंह दयालु एवं राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही ने जनपद के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद कई सरकारी अस्पतालों, मलिन बस्ती व चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाकर जांच के आदेश दिए हैं। टुंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान तमाम खामियां मिली, जिस पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी जताई। साथ ही प्रभारी के साथ साथ फार्मासिस्ट को भी जमकर फटकार लगाई। साथ ही योगी सरकार द्वारा राशन बांटने की प्रक्रिया में कोई भी कोताही न बरती जाए, इसके लिए आपूर्ति अधिकारी को भी दिशा निर्देश देकर लाभार्थियों को लाभ पहुंचाकर सुनिश्चित करने को कहा। आज आगरा मंडल के प्रवास पर फिरोजाबाद जिले में और हम लोगों ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और आज इस हिम्मतपुर गाँव में जन चौपाल के माध्यम से सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनसे लाभार्थियों से बातचीत, सबसे बातचीत हुई और बहुत अच्छी स्थिति में लोगों को लाभ मिल रहा है। जो बेसलाइन सर्वे है उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है पात्रता सूची को, लेकिन अभी उसमें और कुछ काम करने का जरूरत है। पात्रता सूची थोड़ा सा बड़ी है और हम लोगों ने यहाँ निर्देशित किया सभी सरकार की जितनी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका प्रचार के लिए कैंप लगे, तो सोमवार को इस गांव में कैंप लगेगा और सभी योजनाओं का लाभार्थियों की प्रचार प्रसार हो, लोगों को जानकारी हो और जिससे गांव में बैठे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसी मंशा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की है और उसे पूरा करने के लिए आज हम लोग जी बिल्कुल मेरा एक देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर। मेरठ कुंडली थाना क्षेत्र के ग्राम नगला कबूलपुर गांव के निवासियों ने बीमारी मुक्त गांव के लिए हवन यज्ञ किया। आपको बता दें, ये हवन यज्ञ पिछली कई पीढ़ियों से गांव के लोग करवाते आ रहे हैं। इन दिनों में गांव में पल रहे गाय भैंसों में अनेकों बीमारी का वास हो जाता है। गांव के लोगों की मान्यता है, इस हवन यज्ञ में आए जल के छिड़काव से गांव बीमारियां मुक्त हो जाता है। इसके बाद हवन यज्ञ के सेवादारों ने बड़े शिव मंदिर में हलवा पूरी का प्रसाद पूरे गाँव को वितरित किया। जनपद फरुखाबाद थाना क्षेत्र के शमसाबाद के ढाई घाट मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार अपने भाई को स्कूल छोड़ने गया था। ऐसे ही सूचना परिजनों को लगी, परिजनों में कोहराम मच गया। भाई आपका? हमारा नाम राजू है। निवासी? कासिमपुर तराई। क्या हो गया ये? जी हमारे छोटे वाले भैया छोड़ के, बड़ो भैया है, छोड़ के जा रहे शमसाबाद से। कहाँ जा रहे थे? कासिमपुर तराई। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया? हाँ, काय से हुआ? बुढ़िया ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर पकड़ लिया? अबे तो नहीं पकड़ पाया, सोनाली का ट्रैक्टर लगता है। क्या नाम है मृतक का? अतुल। पिताजी का? महेश चंद। ठीक है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम, योग्यता 12वीं पास, किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध, कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध, 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध।
पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412287579456214